नमस्कार, आप देख रहे हैं जे नाई न्यूज में आप सबका स्वागत है। नवाबगंज गरगैया के समीप बरेली पीलीभीत हाईवे पर स्थित एवीएम इंटर कॉलेज में ने सरकार के आदेशों को दरकिनार कर खोल रखा था विद्यालय। कोरोना वायरस जैसी गंभीर महामारी के चलते शासन का द्वारा सभी सरकारी अर्ध सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय कॉलेजों को 2 अप्रैल तक के लिए बंद करने का आदेश दिया गया है। सरकार के आदेशों की अवहेलना करते हुए नगर के समीप एवीएम इंटर कॉलेज लगातार सुचारू रूप से चलाता जा रहा है स्कूल। आइए देखते राजकुमार कश्यप का एक रिपोर्ट। आपका? मेरा नाम है सोमपाल गंगवार। कौन सा स्कूल है? एवीएम इंटर कॉलेज। अभी हमारे संग में ये पत्रकार बंधु और भी लोग आए हैं और यहाँ पे हम लोगों ने आए तो आपका स्कूल सुचारू रूप से चल रहा था, जबकि आपको पता है आदेश है ऊपर से स्कूल बंद कराने के। क्या मामला है बताएंगे? ये मामला कोरोना वायरस को जागृत करने के लिए और बच्चों को अगले पेपरों के बारे में बताने के लिए कि होंगे या नहीं होंगे, तो इसलिए हमने विद्यालय खोला था। आज खोला था या पहले से खुला आ रहा है? पहले से जब परीक्षाएं चल रही थी इसलिए खोला था जी। आज परीक्षा हुई थी? आज परीक्षा हुई है। कैसे कैसे बजे तक हुई है? 11 बजे तक। 7 बजे से? ना, 7 बजे से 9 से। जब ऊपर से 11 बजे तक परीक्षा आपने की तो शासन का आदेश आप तक नहीं पहुंचा था? ना, शासन का आदेश हम 9 बजे आए तभी पहुंचा था। तो उत्तर प्रदेश के और अच्छा सर ये बताइए, जो स्कूल आपका एक आदेश जारी किया है, जो विद्यालय आपका एक ऐसे चालू कितने चल रहा है? अमर उजाला अखबार पढ़ा तभी कोरोना वायरस के बारे में बताया और परीक्षा के बारे में बताया। अच्छा जी बताइए, 17 तारीख में जो मुख्य सचिव ने आदेश किया था उसके बारे में जानकारी नहीं थी? नहीं, हमने पेपर के अखबार देख के हमने स्कूल बंद करने के आदेश किए थे। तो 3 तारीख तक आपने बंद क्या किया? हमने बंद कर दिया था, केवल परीक्षा ली थी संक्षिप्त 2 घंटे के लिए बंद करा जब हम लोग पहुंचे। पहले आप लोग पहुंचे तो हमने छुट्टी कर दी थी विद्यालय की। आपने हमारे सामने छुट्टी करी, हमने बच्चों के बयान लिए, हमने बच्चों ने कहा सुचारू रूप से विद्यालय चल रहा है, मीडिया आने से पहले ही छुट्टी कर दी है हमने। तो मीडिया के आने से पहले छुट्टी कर दी तो हम लोगों ने बच्चों को कवरेज किया, कहां से बच्चे कवरेज किया निकलते हुए कवरेज। आपने स्कूल में क्लास में बैठे हुए भी कवरेज करा हमने? कोई नहीं है, कवरेज कर लिया होगा, 2-4 रह गए होंगे उससे। दो चार रह गए होंगे उससे कवरेज किया। सैकड़ों बच्चों को कवरेज किया? अरे सैकड़ों बच्चों कैसे, सैकड़े बच्चे भी नहीं है। ठीक चलो शासन आदेश आया है जो कोरोना वायरस को लेकर कि सभी स्कूल वगैरह होटल वगैरह सभी सिनेमाघर बंद करे जाएंगे, इसके बावजूद भी अगर कोई स्कूल खुला पाया जाता है तो उनके संचालकों के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, इसमें कल ही आदेश आया है कि जो भी भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, मॉल हैं, सिनेमाघर हैं या स्कूल हैं, इसमें शासन की तरफ से स्पष्ट आदेश आ गया कि ये सब बंद रहेंगे 2 अप्रैल तक, जिससे कि कोरोना वायरस का जो संक्रमण का खतरा से टला जा सके। इसके उपरांत अगर कोई संचालन में है तो उसकी जानकारी अगर हमारे संज्ञान में आती है तो संबंधित विभाग द्वारा उस पर कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी। हो सकता है कि कल आदेश आया है तो किसी के अभी संज्ञान में ना हो, जानकारी नहीं हो इस चीज़ की, तो सभी अधिकारी कर्मचारी और जिला प्रशासन की तरफ से भरकस प्रयास किए जा रहे हैं कि इस आदेश की और कोरोना से संबंधित जो भी एडवाइजरी है वो लोगों तक जल्द से जल्द पहुँचे और अच्छी तरीके से पहुँचे, जिससे कि इसे संक्रमण को रोका जा सके। नवाबगंज की सीमा पर एक एवीएम इंटर कॉलेज है, वो स्कूल काफ़ी दिनों से खुला हुआ भी है और आज भी खुला हुआ था। हाँ, मीडिया वहाँ तक पहुँची, उसके बावजूद भी उन्होंने हमारे ही सामने स्कूल बंद करा और उन्होंने हमारे मीडिया कर्मियों से कहा कि ये कोपल हॉस्पिटल वालों का स्कूल है और जो है कि आपको जो करना है उस तरीके से कर लियो और जो है हमारा स्कूल वो है। इसमें ऐसी बात नहीं है, अगर इस तरह का कोई बात कह रहा है तो गलत है और BSA के माध्यम से हम इसका जांच करवाते हैं जी। और ये स्पष्ट निर्देश है शासन के कि किसी का स्कूल हो, प्राथमिकता यही है कोरोना के संक्रमण को रोका जाए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसका स्कूल है, कौन उसका संचालक है, जो भी है उसके खिलाफ अगर वो शासन के आदेशों की अवहेलना करता है तो नियमानुसार उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक, थैंक यू सर।